राउंड मारते हैं, अगर कोई घर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर तेरे आने के बाद। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ना, हाँ वेरी गुड, चलो। हाँ ठीक है, बस इसका S2000 का वीडियो बनाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, जबरदस्त गाड़ी है। मेरे पास सेम थी, 2000 S2000 फर्स्ट ईयर जो गाड़ी बनी थी, पर लेकिन रेक हो गई यार, साइड में से ऐसे टी बोन हो गई, गाड़ी ख़त्म। और स्पोर्ट्स कार की एक चीज़ आपको बताऊंगा, स्पोर्ट्स कार अगर रेक हुई ना इतनी बुरी तरह से, और अगर सीधी नहीं चलेगी ना, तो कोई मज़ा ही नहीं। मेरा S2000 का बोल रहा हूँ हाँ कि टी बोन हो गई थी, अच्छा, तो स्पोर्ट्स कार अगर सीधी नहीं चले तो मज़ा क्या है, नहीं कुछ नहीं, उसमें फ्रेम डैमेज हो गया था तो वो नहीं क्या, यार, वो थोड़ा भी लेफ्ट राइट, ये गाड़ी बहुत खतरनाक गाड़ी है, बहुत यू कैन नॉट मेस अराउंड विद। इसको बोलते हैं देन यू हैव टू टोटल द कार, टोटल द कार, हाँ या दे हैव टू बराबर, बोल, तेरी क्या वो गाड़ी की सेसी है ना, पेंट होगी हाँ बराबर ज्योमेट्री में लिटिल बिट। बराबर। और उसको मालूम है ना कि एवरी फोर टायर्स आर इंडिविजुअली बैलेंस्ड, ये वाले गाड़ी में, हाँ अच्छा वो मेरे को नहीं मालूम था, हाँ इंडिविजुअली चल बैलेंस्ड, आएंगे ना हम लोग, तो हाँ तू थोड़ा बताना जितना मेरे को मालूम डेफिनेटली, है मैं हाँ बताऊंगा। ये वाली है इसकी 2007 की होंडा सिविक, 2007 में, 2006 है, 2006 की है, हाँ 2006 में होंडा सिविक का रीडिज़ाइन हुआ था, राइट, तो ये वाला बॉडी स्टाइल था और सब लोग पागल हो गए थे इसके वजह से। डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, इट वाज समथिंग वेरी न्यू, न्यू है ना? डेफिनेटली, तो ये कितने, ये देखो कितने में मिली थी, दिस कॉस्टेड अस $18,000 18,000 प्लस टैक्स, प्लस टैक्स, तो यानी समझो टैक्सेस में 6.25% है गाड़ी का टैक्स पूरे टैक्सेस में, किधर भी जाओ, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, सैन एंटोनियो, तो समझो अंदाज़ा 1200 रुपये के आसपास उसका टैक्स लगा था। राइट, आज के रेट के हिसाब से अंदाज़ा इसको ये वाली गाड़ी पड़ी 14 लाख रुपए के आसपास। ये मैंने मेरी बेटी के लिए ली थी, सो दैट उसके लिए कॉलेज में जाने के लिए तकलीफ ना हो उसको, राइट राइट, नहीं बापरे 194,000 माइल्स, 194,000 माइल्स, वाह यार जबरदस्त, हाँ ये तो होंडा है, जबरदस्त, ये तो होंडा है भाई, जबरदस्त, क्या बात, बस 194,000 माइल्स यानी बहुत बड़ी बात है गाड़ी के लिए। ये वाले गाड़ी में है टाइमिंग चेन, तो यूजली टाइमिंग बेल्ट होती है, पर अगर टाइमिंग चेन होता है तो आपको टाइमिंग चेन रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं। टाइमिंग बेल्ट अप्रॉक्सीमेटली 120,000 माइल्स या 110,000 माइल्स, बस डिपेंड है आप कहाँ रहते हो, 90 से 120,000 माइल्स के बीच में रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो अगर इसके गाड़ी में टाइमिंग बेल्ट होता था तो इसका अभी ऑलरेडी सेकेंड बेल्ट चेंज करने का टाइम आ गया होता। और इधर US में टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस करने का कॉस्ट है कितना, 500 से 1000 आराम से, है ना? तो हाँ इतना हो जाता है, राइट राइट, और जब वो बेल्ट चेंज करते हैं दे चेंज अदर बेल्ट्स एज वेल, अच्छा हाँ वो मेरे को एक चीज़ तो मालूम है, टाइमिंग बेल्ट के साथ क्या रिप्लेस करते हैं यार, एक और चीज़ होती है जो वो लोग बोलते हैं कि चेंज कर ले, रिकमेंड कर दे, आई थिंक इट्स मैं भूल गया यार, यूजली मैकेनिक के पास इधर जाओगे ना आपको बोलेंगे, रेयर मेन सील नहीं, वो ट्रांसमिशन, वो ट्रांसमिशन रिलेटेड है। चल एनी वेज याद आएगा तो बताऊंगा, डेफिनेटली वाटर पंप, वाटर पंप का है ना, वाटर पंप, यस, तो अगर आप टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस करते हो तो साथ में वाटर पंप, इट्स रिकमेंडेड टू गेट इट डन, क्योंकि वो लोग वाटर पंप निकालते ही है, और अगर टाइमिंग बेल्ट आपका ख़राब हो गया आज नहीं तो कल, तो वाटर पंप के में भी लीक चालू हो जाएगा, और वाटर पंप में यूजली लीक चालू होता है क्योंकि उसके भी जो सील्स होते हैं दे गिव अप ऑन यू। थोड़ा बहुत चीज़ें सीखी है यार कार के बारे में, मैकेनिकली, सेल्स, अरे इधर भी है देख, घर ले ना, जिधर भी देख, पर अपने को वो वाला हाउस देखने है वृष, हाँ वो बना तो हुआ अभी, होना चाहिए, राइट, समझ वो रहे तो हैं, अभी बन गया है, हाँ चलो हम देखते हैं, अगर
अरे एक कासिल कासिल है यार, क्या घर है देख। अरे ओ गाइस हमने कौन से निकाला, सुपर मारियो का कासिल लग रहा है। ये सब वैरायटीज है जबरदस्त। देख कितने का आएगा ये घर, कितना? अरे उससे तो ज्यादा है। फिर आजकल मार्केट कार में तो पागल भाई चालू है। हमने इसका बनाया था देख, ये वाला। हाँ वाह बन गया ऑलरेडी, बन गया। ये देखो गाइस ये वाले घर का बनाया था वीडियो, पक्का है देखो। यही था क्योंकि देख इसमें तो है। हाँ बराबर बराबर उतरे क्या, ये देख इधर वाह फुल रेडी कर दिया है लोगों ने। अरे दरवाजा भी मस्त डाला है यार। तो ये वाला जो हाउस कंस्ट्रक्शन वाला ब्लॉग था, ये वाले हाउस पे था। ये भी बन रहा है डबल स्टोरी में। चलो निकले। ये वाला भी बन रहा है डबल स्टोरी में। सॉरी उतर के दिखा दो। हाँ डेफिनेटली बंद कर दे, खोले ना। चलो पर कोई घर होना चाहिए ना विदेश, जहाँ एंट्री मिले अपने को। ये देखो गाइस इधर ये घर बन रहा है पूरा लकड़ी का। ये तो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क राइट राइट फ्रेमवर्क है। ये देखो अपने को तो बाहर से मालूम नहीं पड़ेगा ये, लेकिन है स्केलेटन उसको बोलते हैं। स्केलेटन? हाँ अच्छा देखा ना स्केलेटन। राइट राइट राइट। देन दे विल पुट शीट रॉक एंड ऑल दैट स्टफ। शीट रॉक नहीं है, शीट रॉक बोलते हैं उसको। शीट रॉक बोल, शीट रॉक बोलते हैं। बराबर। तो ये देखो ये लोग ऐसे पोर्टेबल बाथरूम लेके आते हैं कि ये लोग के वर्कर्स टॉयलेट वॉयलेट कर सके। घर तो कोई दिख रहा नहीं है बॉस जिसका टूर करने मिलेगा अपने को, अनलेस वही वाला घर, पर वो तो बंद होएगा। अगर इसको देख रहे हैं तो हम जा सकते हैं अंदर। हाँ हाँ देखते हैं ना, देखे तो सही कुछ आइडिया आती है क्या देख के। ये देखो ये लोग का गैराज। अरे हाँ ये देखो थ्री कार गैराज हो गया, 1 2 3। और इधर से फिर आप एंट्री करोगे तो ये जो लकड़ा ये लोग यूज करते हैं वीरेश कौन सा है तेरे को मालूम है? नहीं 2x2। वाह ये तो देख इधर ऊपर सीढ़ी वीढ़ी मस्त डबल स्टोरी है ना। ये लोग शायद ये लोग की लॉन्ड्री रूम। लॉन्ड्री रूम होगी ना। और ये तो ऐसे ही पैसेज है, पैसेज। और ये लिविंग रूम, वाह मस्त लिविंग रूम है, ओपन प्लान है जबरदस्त। ये लोग का किचन होगा। अच्छा हाँ इधर आइलैंड बन रहा है राइट, आइलैंड बन रहा है। और ये ऊपर का ये लोग का रूम में से व्यू, तो ये मोस्ट लाइकली ये लोग का ऊपर भी चलते हैं वीरेश। सीढ़ी बनी हुई है मस्त। तो ये देखो गाइस इसके लिए यहाँ के घरों में इसे आग लगने का टेंशन है क्योंकि Definitely. जैसे आपको दिख रहा है सब लकड़ा है, शीट रॉक है, और जो ये लोग का ड्राई वॉल है वो प्रीटी मच क्या कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड चौक चौक मटेरियल कंप्रेस्ड। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं, पर लेकिन आप उसको टच करोगे ना तो ऐसे कार्डबोर्ड और चौक के मटेरियल लगता है। तो इसके लिए लोग मेरे को पूछते थे कि खिड़कियों के ऊपर इधर ग्रिल क्यों नहीं होती है, यू डोंट वॉन्ट इट, क्योंकि क्या होगा कल की आग लगी और आपकी ग्रिल बंद है, फर्स्ट थिंग यू वॉन्ट टू डू इज रन आउट। अगर आपकी ग्रिल लॉक्ड है आधी रात को, या तो यू नो बच्चे लोग तो बहुत सीरियस है, सीरियस है। हाँ इसके लिए लोग इधर ग्रिल नहीं लगाते। फायर एग्जिट बराबर, यू शुड बी एबल टू जंप आउट व्हेन एवर यू वॉन्ट। तो ये देखो ये ऊपर ये लोग पूरा मस्त आप लोगों को दिखा दो, मस्त घर बनेगा ये तो। ऊपर देख क्रॉ भी बैठा है, क्रॉ बराबर उसका इंस्पेक्ट कर रहा है। ये लोग को व्यू मिलने वाला है तो इधर यहाँ से चल। तो ये लोग का बैकयार्ड है, इधर पीछे लेक है। ये हम नहीं बोलते इसको हिडन लेक्स, बराबर दिस आर द हिडन लेक्स। अच्छा पूरा ये लोग का हिडन लेक का एरिया। तो ये एक्चुअली रियल लेक नहीं है ओके, ये बारिश का पानी आता है, सिटी वाले लोग इधर ऐसे बनाते
उसको ब्यूटीफाई करते, तो यूजली ये वाले नेबरहुड में आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं दिया, पर जैसे यूजली बहुत कॉमन है इधर कि अगर बारिश का पानी के लिए अगर ये लोग बनाते हैं ना, तो ये लोग यूजली ऐसे साइड वॉक बनाते हैं जहाँ लोग साइकिलिंग कर सके, रनिंग कर सके। क्या बोलते हैं वीरेश, ये लोग ने बनाया नहीं है? ये लोग नहीं बनाया, ये लोग थोड़ा टाइट है, पता नहीं क्यों नहीं बनाया। वो बाजू वाला है ना उधर बनाया दूसरे बिल्डर ने, मारबेला में। हाँ, तो इधर यूजली फिर ये लोग फाउंटेन डालेंगे, तो ऐसे लोग फिर आपको, ये लोग ने बहुत एक्चुअली बहुत चिंदीगिरी की है बोला जाए, नहीं तो ये नेबरहुड के लिए अल्टीमेट चीज़ है, हर एक नेबरहुड के लिए बीच में फाउंटेन होवे। यूजली ऐसे लोग फिर साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इधर नहीं है तो नहीं कर सकते, नहीं किया। तो ये देखो पूरा पानी वहाँ से जैसे आपको दिख रहा है वहाँ से ऐसे आ रहा है, और फिर क्या ये पानी ऐसे ही रहता है? यहाँ स्टैंडिंग वाटर है। अच्छा, और इवेंचुअली जाता कहाँ है पानी? ये जाएगा स्लोली उधर दरिया में, यहाँ से निकल जाएगा? निकल जाएगा। ओह ओके ओके, सही। उधर रिवर है। अच्छा अच्छा, हम लोग तेरे को मैं दिखाया कि इधर से वो पानी कहाँ जाएगा। अच्छा, उधर वो रिवर जा रही है। ओह ओके, पीछे छोटी स्ट्रीम। राइट राइट राइट, चल ऊपर चल के देखें।